हो गया है आपके साथ, मैं हूं अपर्णा मौजम। शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर रायपुर से आपको बता रहे हैं, जहां के होटल बेबीलोन में आग लगी है। होटल के चौथे फ्लोर पर आग लगने की खबर मिल रही है। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं। आग कैसे लगी इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। गंज थाना इलाके की घटना है, जहां पर बेबीलोन ये होटल है, उसके चौथे फ्लोर पर आग लगी है। मौके पर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां पहुंची हुई है। दमकल कर्मी लगातार आग बुझाने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं। ये तस्वीर भी आप देख पा रहे होंगे रायपुर के बेबीलोन होटल की, जहां के चौथी मंजिल में ये आग की लपटें उठती हुई आपको दिखाई दे रही हैं। ममता लांजेवार हमारी संवाददाता रायपुर से हमारे साथ जुड़ रही है फोन लाइन पर। ममता, अभी क्या स्थिति है वहां पर? बिल्कुल, देखिए बेबीलोन होटल के चौथे फ्लोर पर आग लगी है। जेल रोड में ये होटल मौजूद है और अभी आग लगने के कारण का पता नहीं चल पाया है। दमकल की 3 गाड़ियां वहां पर मौजूद थी और अभी जो फायर ब्रिगेड है उसके मुताबिक आग में लगभग कंट्रोल कर लिया गया है। अच्छी बात यह है कि होटल के दूसरे फ्लोर पे आग नहीं पहुंची और फोर्थ फ्लोर में आग थी और उसको कंट्रोल कर लिया गया है और कोई जनहानि नहीं हुई। और कोई ये जरूर है कि जिस कमरे में आग लगी थी वहां पर नुकसान हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए ममता। तो फिलहाल अच्छी खबर ये है, अच्छी बात ये है कि फायर अटेंडेंट्स का कहना है कि जल्द ही आग पर काबू पा लिया जाएगा। जो स्थिति है वो फिलहाल नियंत्रण में है। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जिस कमरे में आग लगी थी उसे नुकसान पहुंचा है, लेकिन किसी जान का नुकसान नहीं हुआ। लोगों के फंसते वहां पर कोई फंसा हुआ नहीं है, ये राहत की बात है। आग कैसे लगी इसका खुलासा हालांकि नहीं हो पाया है। गंज थाना इलाके की घटना है। मध्य प्रदेश में अब नतीजों का इंतजार है। राजस्थान का रण लेकिन बाकी है। सीएम शिवराज जयपुर पहुंचे और कांग्रेस पर जमकर बरसे। इधर कमलनाथ ने सोशल साइट एक्स पर सीएम शिवराज पर पलटवार किया है, ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान के रण में सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी प्रियंका गांधी को झूठ की मशीन बताया। वही गहलोत सरकार पर जमकर प्रहार किया। भ्रष्टाचार में राजस्थान को नंबर वन बताते हुए कहा कि सरकारी कार्यालय से पैसा सोना बरस रहा है। राजस्थान को दंगों की आग में झोंक दिया। नंदा परोसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान की अशोक गहलोत जी की सरकार कुशासन का पर्याय है। आप जानते हैं भ्रष्टाचार में राजस्थान नंबर वन है। मैं तो हैरान हूं कि सरकार की योजना भवन से करोड़ रुपया बरामद होते हैं, सोना बरामद इस पहली घटना है कि सरकारी कार्यालय से पैसा और सोना बरामद हो रहा है। अब जल जीवन मिशन इसलिए था कि हर घर पीने का पानी पहुंच जाए, लेकिन लगभग 20,000 करोड़ का जल जीवन घोटाला यहां हो गया। जयपुर में शिवराज के वार का असर भोपाल तक हुआ। कमलनाथ ने पलटवार करने में देर नहीं की। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि शिवराज जी आज अब मध्य प्रदेश में आपको कोई सुन नहीं रहा, तो आप राजस्थान में जाकर अपनी झूठ मशीन का अभियान चला रहे हैं। आप राजस्थान को बताइए कि मध्य प्रदेश को आपने घोटालों में नंबर वन बना दिया। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल अब भीतरघातियों पर एक्शन की तैयारी में है। दोनों ही दल पार्टी गद्दारों की जानकारी हासिल करने में लगे हैं। मतदान के बाद नतीजों से पहले कांग्रेस बीजेपी नफा नुकसान के गुणा भाग में लगी है। जहां जहां बागियों ने अपना दब दिखाया, भीतर घातियों ने अपना रंग दिखाया, वहां वहां उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। कांग्रेस नेता स्वदेश शर्मा ने कहा कि संगठन और प्रत्याशी भीतर घात करने वालों की जानकारी लगातार भेज रहे हैं। पार्टी की अनुशासन समिति सभी शिकायतों की जाँच करेगी, दोषी पाए जाने पर ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। निश्चित रूप से हमारे यहाँ एक अनुशासन समिति है। अनुशासन समिति में इस तरह की अगर प्रत्याशियों ने शिकायतें की हैं तो उन पर अनुशासन समिति विचार करेगी। विचार करने के बाद निश्चित रूप से आम सहमति से एक फैसला भी लेगी। वहीं बीजेपी भी भीतर घातियों को लेकर सख्ती के मूड में है। बीजेपी सुशासन से चलने वाला संगठन है। वैसे तो चुनाव के पहले सभी कार्यकर्ताओं को पार्टी के पक्ष में काम करने के निर्देश दिए गए थे, उसके बाद भी जिन कार्यकर्ताओं ने पार्टी के विरोध में काम किया है ऐसे लोगों की जानकारी संगठन जुटा रहा है। इस आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
निश्चित तौर पर यदि कोई भी प्रत्याशी या संगठन शिकायत करता है कि फला पदाधिकारी ने फला व्यक्ति ने पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल रहा है या विरोधी पार्टी के पक्ष में काम किया, तो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों के ऊपर तो कड़ी कार्रवाई होगी। जो भी इस तरह के नाम सामने आएंगे उनके ऊपर पार्टी की प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाएगी, ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। जिसने पार्टी की पीठ में छुरा घोंपा या विरोधी पार्टी का साथ दिया, ऐसे तत्व कतई नहीं बख्शे जाएंगे, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। नतीजों का इंतजार, नफा नुकसान का गुणा भाग, जनता के पिटारे में उम्मीदवारों की किस्मत बंद है। लेकिन अब बागियों और भीतर घातियों को दोनों ही दल बख्शने के मूड में नहीं है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सीएम भूपेश बघेल को मानहानि का नोटिस भेजा है। बृजमोहन अग्रवाल को भी मानहानि का नोटिस भेजा गया है। बृजमोहन अग्रवाल को गुंडा और नौटंकी कहने वाले बयान पर यह नोटिस भेजा गया है। सीएम भूपेश बघेल को पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने मानहानि का नोटिस भेजा है। सुशील आनंद शुक्ला को भी मानहानि का नोटिस जारी किया गया है। बृजमोहन अग्रवाल को गुंडा और नौटंकी कहने वाले बयान पर यह नोटिस भेजा गया है। ग्वालियर से मंत्री सुरेश राठखेड़ा के भतीजे की दबंगई का मामला सामने आया है। मंत्री जी के भतीजे पर एक दलित युवक के साथ मारपीट का आरोप लगा है। मारपीट में घायल युवक को अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। मतदान के बाद से चुनावी रंजिश में हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसा ही एक मामला शिवपुरी के करौंदी में आया, जहां एक दलित की पिटाई प्रदेश के राज्य मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार सुरेश राठखेड़ा के भतीजे ने की, जिसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे ग्वालियर रेफर कर दिया गया। घायल की बहन ने चुनावी रंजिश में पिटाई का आरोप लगाया है। रोहित राठखेड़ा ने, ये मंत्री के भतीजे हैं क्या? हाँ। किस बात को लेकर मारपीट किया? ये पता नहीं है किस चीज से लेकर मारपीट की है। कहाँ पे मारपीट की? फिजिकल तरफ सब मिल के साथ। किस चीज से मारा? किसी बहुत गहरा घाव आया है, पता नहीं किस लोहे से। होश है इसको? नहीं है, अभी तो होश नहीं है इसको। डॉक्टर क्या बोल रहा है? डॉक्टर बोल रहा है ग्वालियर रेफर करने के लिए। पीड़ित के बहन ने बताया कि मंत्री के भतीजे उस पर उनके पक्ष में प्रचार करने को कह रहे थे, जबकि वो और उसके परिवार वाले कांग्रेस प्रत्याशी का समर्थन कर रहे थे। इसी बात को लेकर पहले कई बार धमकी दी गई और फिर बहरहमी से पिटाई की गई। वहीं जबलपुर आईएसएस मॉड्यूल केस में एनआईए ने कोर्ट में चार्जशीट पेश की, जिसमें चौंका देने वाले कई खुलासे हुए। क्या है वो खुलासे, इस रिपोर्ट में देखिए। जबलपुर आईएसआईएस मॉड्यूल केस में एनआईए ने कोर्ट में चार्जशीट पेश की है, जिसमें बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी आईएसआईएस के स्लीपर सेल के तौर पर मध्य प्रदेश में नेटवर्क तैयार कर रहे थे। उनके युवाओं को भड़काने और अपने साथ शामिल करने के बाद हथियार के जरिए हमले की प्लानिंग थी। अगस्त महीने में जांच एजेंसी ने जबलपुर से चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था। आईएसआईएस से प्रेरित होकर मुस्लिम युवाओं को भड़काने की साजिश के चलते आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। चार्जशीट में आरोप, फंड इकट्ठा करना, युवाओं की भर्ती करना, घातक हथियार खरीदने का भी आरोप, आईएसआईएस के इशारे पर काम करने का आरोप, आतंक फैलाने की योजना बनाने का जिक्र। सैयद मामूर अली, मोहम्मद आदल खान, मोहम्मद शाहिद और कासिफ खान आईएसआईएस की विचारधारा से प्रेरित थे। एनआईए की जांच में खुलासा हुआ है कि चारों आरोपी प्रमुख नेताओं सहित लोकतांत्रिक संस्थानों और व्यक्तियों को निशाना बनाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे थे। उन पर स्थानीय धार्मिक स्थानों और घरों में बैठकें आयोजित कर साजिश रचने का आरोप भी है। एनआईए की चार्जशीट में आईएसआईएस के इशारे पर देश में हिंसक हमले कर आतंक फैलाने की योजना बनाने का जिक्र है। और अब बात उज्जैन की, जहां ईओडब्ल्यू ने 2 अरब रुपए के घोटाले में बड़ी कार्रवाई की है। कंपनी और 36 फर्जी फर्म के खिलाफ केस किया गया है। 80 लोग आरोपी बनाए गए हैं। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। ईओडब्ल्यू ने उज्जैन में बड़ी कार्रवाई करते हुए 39 फर्जी कंपनी और 80 लोगों पर 2 अरब के घोटाले का मामला दर्ज किया है। आरोपियों ने 10 करोड़ रुपए का टैक्स बचाने के लिए फर्जी कंपनियों के नाम से रजिस्ट्रेशन करवाया था। 2 साल पहले इंदौर के एक व्यापारी ने इसकी शिकायत ईओडब्ल्यू उज्जैन से की थी। इसके बाद आज ईओडब्ल्यू ने 80 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है। जल्द ही जाँच पूरी कर आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। ये मामला ऐसा है कि जो अग्रवाल सोया एक्सपेक्ट प्राइवेट लिमिटेड नीमच एक कंपनी है, इन्होंने अन्य 36 जो फर्में हैं उनको शेल फर्जी फर्में बनाकर उनसे फर्जी डीओसी का व्यापार दर्शाकर
लगभग दो अरब रुपए का व्यापार दर्शाया है, जिसमें लगभग 10 करोड़ रुपए का टैक्स चोरी का मामला है, उसके आधार पर हमने अपराध पंजीबद्ध किया है। उज्जैन ईओडब्ल्यू निरीक्षक के मुताबिक साल 2019 में जीएसटी को अग्रवाल सोया एक्सप्रेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी धापकिया नीमच के खिलाफ करोड़ों रुपए के टैक्स चोरी की सूचना मिली थी। सीजीएसटी इसकी जांच कर रही थी। इंदौर की कपिल ट्रेडिंग कंपनी ने ईओडब्ल्यू को 37 अन्य फर्जी कंपनियों के करोड़ों रुपए की हेराफेरी की शिकायत की। इसमें कपिल ट्रेडिंग कंपनी ने शिकायत की थी और कपिल ट्रेडिंग कंपनी की शिकायत की जांच के आधार पर प्रकरण हमने आगे जांच शुरू की। बाद में पाया गया कि अग्रवाल सोया के साथ कपिल ट्रेडिंग कंपनी भी उसमें मिली हुई है, इसलिए उसको भी आरोपी बनाया। इसमें कुल कितने आरोपी हैं और अभी कितने आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं? इसमें लगभग 80 आरोपी हैं भी वर्तमान में पंजीबद्ध हुआ, जिनमें फर्म और उनके संचालकों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं, लगभग 36 फर्म। मामले की जांच में पता चला है कि अग्रवाल सोया संचालक गोपाल सिंगल, दीपक सिंगल सहित करीब 80 लोगों ने धोखाधड़ी के लिए 39 फर्जी कंपनियां बना रखी हैं। इन कंपनियों ने खली और तेल के व्यापार की आड़ में अब तक 2 अरब रुपए का घोटाला किया। खास बात यह है कि आय के मामले की शिकायतकर्ता कपिल ट्रेडिंग का संचालक भी आरोपी निकला। वजह यह रही कि कपिल भी उक्त फर्जी कंपनियों में शामिल था और उसने कार्रवाई से बचने के लिए शिकायत की थी, लेकिन जांच में उसका झूठ पकड़ा गया। वहीं जम्मू कश्मीर के राजौरी में आज आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सेना के 2 अफसर और 2 जवान शहीद हो गए। आर्मी की 16 कॉर्प्स मिलिट्री यूनिट के सूत्रों ने जानकारी दी है। जान गंवाने वाले एक अफसर मेजर रैंक के थे। एजेंसी एनआईए के मुताबिक धर्मसाल के बाजीमाल इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिलने पर सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया। इसी दौरान जंगल में छिपे आतंकियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। यहां 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर है, एनकाउंटर जारी है। वहीं श्रीनगर में आज सुरक्षा बलों ने लश्कर ए तैयबा के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। उनसे 2 पिस्तौल, 4 मैगजीन, 2 फिलर मैगजीन और 8 ग्रेनेड मिले हैं। पुलिस ने बताया कि दोनों आतंकियों को 21 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। मुमताज अहमद लोन और जहांगीर अहमद लोन कुपवाड़ा के त्रेगाम के रहने वाले हैं। उत्तरकाशी टनल को लेकर सबसे बड़ी खबर है। अब उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में किसी भी वक्त वहां से अच्छी खबर आ सकती है, क्योंकि अब टनल के अंदर फंसे मजदूरों तक रेस्क्यू टीम बस पहुंचने ही वाली है। किसी भी वक्त टनल में पाइप आर पार हो सकता है और उसके बाद इसी पाइप से मजदूरों को निकाला जाएगा। करीब 800 mm के पाइप को टनल के अंदर डाला जा रहा है। शाम करीब 4:30 बजे अधिकारियों ने अपडेट दिया था कि 45 मीटर तक पाइप अंदर जा चुका है और 12 मीटर पाइप और डालना बाकी है। तो वहीं टनल में बोरिंग का काम कर रही ऑगर मशीन घंटे में करीब 6 मीटर अंदर तक जा रही है, यानी कि अब किसी भी वक्त अच्छी खबर आ सकती है। टनल में करीब 57 मीटर पर मजदूर फंसे हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन अब बस पूरा ही होने वाला है इस साइड पर, और एम्बुलेंस भी पहुंचाई गई है ताकि कोई कमी ना रहे। सीएम भी लगातार उत्तरकाशी के मामले पहुंचे हुए हैं और लगातार वो अपडेट ले रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर मजदूरों से मुलाकात भी करने का उनका कार्यक्रम है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को निकालने के लिए 11 दिनों से अभियान जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी टीमें इस बात पर ज्यादा फोकस कर रही हैं कि मजदूरों को निकालने में किसी प्रकार का खतरा ना हो, लेकिन अगर ऑगर मशीन तेजी से मजदूरों के करीब पहुंच जाती है तो माना जा रहा है कि अगले कुछ घंटों में उत्तरकाशी से अच्छी खबर आ सकती है। पीएम मोदी लगातार रेस्क्यू पर अपडेट ले रहे हैं। सीएम धामी ने उन्हें राहत बचाव कार्य के बारे में जानकारी दी है। टनल में 57 मीटर पर मजदूर हैं, 40 मीटर तक खुदाई पूरी हो चुकी है, यानी कि अगले कुछ घंटे बेहद अहम साबित होने वाले हैं। चंद घंटों बाद खुदाई करने वाली टीम मजदूरों को बाहर निकालने में कामयाब हो सकती है। टनल में कुछ भारी मशीनें भी मलबे में दबी हुई हैं। जो पाइप अंदर डाले जा रहे हैं उनके रास्ते में ये मशीनें नहीं आनी चाहिए। अगर इसी रफ्तार से काम जारी रहा तो जल्द ही मजदूर सुरक्षित बाहर निकल जाएंगे। टनल के बाहर 40 एम्बुलेंस और डॉक्टर मौजूद हैं। मजदूरों को बाहर निकालने के बाद फौरन एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया जाएगा ताकि उनका फौरन इलाज करवाया जा सके।
जैसे यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होगा तो यहाँ पर 4 घंटे का टाइम दिया गया है, 4 घंटे पहले यहाँ पर सारी एम्बुलेंसें 44 रोड से रवाना करा दी जाएगी और यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। टोटल 40 एम्बुलेंसें सर हमारी अभी वर्तमान समय में यहाँ पर जो है 4 अभी गाड़ियां यहाँ पर उपलब्ध हैं और 40-41 गाड़ियों की डिमांड रखी गई है जो अदर डिस्ट्रिक्ट से जो है रवाना कर दी गई है, टेहरी से कर दी गई है, देहरादून से कर दी गई है, सुनने में आया 1-2 गाड़ियां हरिद्वार से भी मंगवाई गई है और यहाँ उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट की 15 गाड़ियां जो है यहाँ के लिए रवाना और हो चुकी है। खाने के पैकेट भेजे गए, फंसे हुए मजदूरों के लिए खाने के पैकेट में बटर, रोटी, वेज पुलाव और मटर पनीर भी भेजा गया। पहले उन्हें सूखा अनाज और मेवा भेजा जा रहा था लेकिन अब उन्हें पका हुआ खाना भेजा जा रहा है। दवाइयां भेजी गई, फंसे हुए मजदूरों के लिए ORS, मल्टीविटामिन कैल्शियम, ड्राई फ्रूट्स और विटामिन सी भेजे गए हैं ताकि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। मजदूर अंदर क्या कर रहे हैं? टनल के अंदर मजदूरों को योगा और मेडिटेशन करने के लिए कहा गया है ताकि उन्हें डिप्रेशन ना हो। मशीनों की पूजा की गई, टनल में रेस्क्यू में लगाई जा रही मशीनों की पहले पूजा की जा रही है, फिर उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। वर्टिकल खुदाई में लगाई गई मशीनों की भी पूजा की गई है। मजदूरों का नया वीडियो, आज भी टनल के अंदर फंसे मजदूरों का एक वीडियो सामने आया है जिसमें सभी मजदूर सुरक्षित दिख रहे हैं और उनसे वीडियो पर बातचीत भी की गई है। टनल के गेट पर मंदिर, टनल के गेट के पास मंदिर बनाया गया। गांव वालों का मानना था कि मंदिर ना बनाए जाने से हादसा हुआ है। विदेशी एक्सपर्ट अर्नोल्ड डिक्स ने मंदिर में जाकर प्रणाम किया और ऑपरेशन की सफलता की दुआ मांगी। वर्टिकल ड्रिलिंग, टनल के स्टार्टिंग पॉइंट पर सिल्कियारा साइट पर 6 इंच और 1.2 डायमीटर की वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए पहाड़ी पर BRO ने 1150 मीटर सड़क बनाकर तैयार कर दी है और बिना वक्त गवाए वर्टिकल ड्रिलिंग का काम भी जारी है। PM मोदी लगातार ले रहे अपडेट, CM धामी ने PM मोदी को रेस्क्यू की पूरी अपडेट दी है। PMO के अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। पर सभी लोग काम कर रहे हैं और कल जहां 6 इंच की पाइप चली गई थी उससे भोजन इत्यादि अंदर जा रहा है और आज जो मशीन है ऑगर मशीन, वो मशीन काम कर रही है। हमें उम्मीद है कि जल्दी सभी हमारे श्रमिक भाई सकुशल बाहर निकलेंगे, यानी कि अगले चंद घंटों में मजदूरों को लेकर अच्छी खबर आ सकती है। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से सुनील नवप्रभात के साथ बलबीर परमार की रिपोर्ट। तो मजदूर जल्द से जल्द सकुशल बाहर निकल जाए ये प्रार्थना हर कोई कर रहा है। और अब बात G20 सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी के बयान की। PM ने कहा कि आतंकवाद किसी को मंजूर नहीं, पश्चिम एशिया में अस्थिरता चिंता की बात है, पश्चिम एशिया में युद्ध खत्म होना चाहिए। पश्चिम एशिया क्षेत्र में असुरक्षा और अस्थिरता की स्थिति हम सबके लिए चिंता का विषय है। आज हमारा एक साथ आना इस बात का प्रतीक है कि हम सभी मुद्दों के प्रति संवेदनशील हैं और इनके समाधान के लिए एक साथ खड़े हैं। इसराइल और हमास के बीच छिड़े युद्ध में सीज फायर डील को मंजूरी मिल गई है। इसराइल के 50 बंधकों की रिहाई होगी। देर रात जब एक तरफ इजरायली सेना गाजा में आग बरसा रही थी, रॉकेट और ड्रोन से अटैक जारी थे, बमबारी से इतना ही माम मचा हुआ था। जब पूरा गाजा जल रहा था ठीक उस वक्त नेतन्याहू की उनके अधिकारियों के साथ बैठक जारी थी। मशवरे लिए जा रहे थे कि आखिर कैसे बंधकों को हमास के कब्जे से सही सलामत छुड़ाकर उनके घरों तक पहुंचाया जाए। घंटों तक अधिकारियों ने अपने अपने सुझावों को नेतन्याहू के सामने रखा लेकिन कोई भी ऐसा तर्क नहीं मिल सका जो नेतन्याहू के जहन में जगह पा सके और हमास के खिलाफ जारी जंग को कुछ वक्त के लिए शांत करा सके।
रात गहरी होती गई और सुबह होने से ठीक पहले इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से एक बयान दिया गया। बहुमत के साथ एक ऐसा फैसला लिया गया जिसका किसी को भी इल्म नहीं था। खबर आई कि इजरायली कैबिनेट ने 4 दिन के लिए युद्ध विराम की शर्त मान ली है। ये फैसला चौंकाने वाला था, लेकिन ये एक समझौता है जो हमास के साथ किया जाएगा। इसे कुछ ऐसे समझें कि इन 4 दिनों के युद्ध विराम यानी करीब 96 घंटे के दौरान लड़ाई को पूरी तरीके से रोक दिया जाएगा। इसके बाद हमास की तरफ से पहले 50 बंधकों को रिहा किया जाएगा। दावा किया जा रहा है कि इसमें करीब 30 बच्चे और 12 महिलाओं को छोड़े जाने का प्रस्ताव है, जबकि हमास के कब्जे में 40 बच्चे और 13 से ज्यादा महिलाएं होने का दावा है। बदले में इजराइल अपनी जेलों में बंद 150 फिलिस्तीनी महिलाएं और नाबालिगों को रिहा कर देगा, लेकिन उनमें से कोई भी वो लोग नहीं होंगे जो सीधे तौर पर घातक हमले या हमास से जुड़े हुए हैं। समझौते में एक शर्त ये भी है कि अगर युद्ध विराम आगे भी जारी रहता है तो हमास के कब्जे में 30 अन्य जो बंधक हैं, उन्हें भी वो अगले 4 दिनों में रिहा कर देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि युद्ध खत्म हो गया या फिर नेतन्याहू की ब्रिगेड ने सरेंडर कर दिया या हमास ने अपने हथियार झुका लिए हैं। इन 4 दिनों के बाद इजराइल फिर से मैदान में एक्टिव हो जाएगा, ये दावा खुद नेतन्याहू कर रहे हैं। नेतन्याहू का कहना है, इस तरह की बातें की जा रही हैं कि बंधकों को रिहा करने के बाद युद्ध रोक दिया जाएगा। हम युद्ध में हैं और हम युद्ध तब तक जारी रखेंगे जब तक हम अपने सभी लक्ष्य हासिल नहीं कर लेते। युद्ध में कई चरण होते हैं और बंधकों की रिहाई में भी कई चरण होंगे, लेकिन हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम पूरी तरह से जीत नहीं जाते। सभी बंधकों को खबर सदार में फिलहाल इतना ही, खबरें लगातार जारी है। Listen.